देश भर में शारदीय नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी भी अपनी पत्नी के साथ पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे और नवरात्रि महापर्व के अवसर पर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। इस दौरान नायब सैनी ने माँ मनसा देवी के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद लिया और प्रदेश व देश के लोगों के सुखमय जीवन की कामना की। वहीं उन्होंने कहा कि ये महापर्व हमारी संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है और ये सभी के जीवन में सुख समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। आज दूसरा नवरात्रा है। नवरात्रों की प्रदेशवासियों को देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रदेश के लोग स्वस्थ रहें और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ें। ये हमारे पर्व हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। मैं माँ के नवरात्रों की सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं नायब सैनी ने नवरात्रि और विधानसभा चुनाव के इस विशेष अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की अपील की और लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। पंचकुला से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।